वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ। आज बना रहे हैं बहुत आसान इजी क्विक सी चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी से ज़्यादा चिकन लिया है, जिसे वॉश कर लिया है। इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर और जिंजर गार्लिक का फ्रेश पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया गार्निश के लिए, टमाटर 4 अदद, उनका पेस्ट बना लिया। ऑयल गर्म किया, चिकन को फ्राई किया, चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दूँ, इसके साथ इसको फ्राई करते हैं। चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से जो है वो फ्राई किया। अब इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ये सब शामिल करके इसे मिक्स करते हैं। मसालों के साथ इसे 5 मिनट भुना। अब इसमें 4 अदद टमाटर का पेस्ट शामिल करें और अब इसको इसी मसाले में और इन टमाटरों में कुक होने देंगे और 15 मिनट जो है वो कवर कर देंगे। इसे 15 मिनट बाद जो है वो हमारी बहुत इजी सी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। फिर इसको लास्ट में जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। दही भी शामिल करेंगे इसमें मैं 3 खाने के चम्मच शामिल करके इसको कवर अप कर दिया 15 मिनट के लिए। ढक्कन हटाया, कढ़ाई बिल्कुल रेडी है 15 मिनट में। अब ये हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करते हैं, ठीक है, इसको मिक्सअप करते हैं, ठीक है। और हमारी बहुत आसान सी और मज़ेदार सी जो है वो चिकन कढ़ाई रेडी है। रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।